नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग HPU, UG और PG का यहाँ पे रीअपेयर और रीवैल्यूएशन का फॉर्म जो फिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने क्रोम ब्राउज़र में HPU स्टूडेंट पोर्टल यहाँ पे सर्च कर लेना है। उसको सर्च करने के बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन जो है वो हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो आप लोगों ने डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका जो भी फॉर्म है वो आप यहाँ पर ईजिली फिल जो है वो कर सकते हो। तो अपने फिर इसके बाद जो है अपने यहाँ पे HPU स्टूडेंट पोर्टल आपको यहाँ पे दिख जाएगा डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक, तो आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो आपने पहले भी देखा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे UG के लिए अप्लाई करना हो तो आप UG सेलेक्ट कर लो, और आपने अगर यहाँ पर PG के लिए करना है रीअपेयर और रिवैल्यूशन के फॉर्म के लिए अप्लाई, तो आपने यहाँ से PG सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात देख ध्यान से सुन लो कि आपका जो भी UG रहेगा और जो PG रहेगा वो सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। और अगर यहाँ पे अगर PG की बात करें तो आपके एग्ज़ाम जो अभी 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले जो है वो आप लोग यहाँ पर अपना PG का फॉर्म जो फिल कर लें अगर आप रीअपेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर PG के बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर आप लोगों ने PG सेलेक्ट कर लेना। PG सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ID और पासवर्ड जो है वो फिल कर लेना है। यहाँ पे अपना ID पासवर्ड फिल करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे साइन इन पे जो है वो क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस जो वो ओपन हो जाएगा। तो आपने जस्ट यहाँ पे एग्ज़ाम अप्लाई फॉर एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रीअपेयर फॉर्म की। तो यहाँ पे चाहे आप UG स्टूडेंट हो और PG स्टूडेंट हो, तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। अगर रीअपेयर का फॉर्म फिल करना है तो आपने यहाँ से रीअपेयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक ऐसा पॉपअप मैसेज ओपन होगा जो जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो रहेगा। तो आपने यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ से अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है। उसके नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी सेमेस्टर सेशन है वो सेलेक्ट कर लेना, और आगे आपने कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस जो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो सारे बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो एज इट इज ही रहेगी। उसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है, और अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक जो है वो कर लेना है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट डिटेल आ जाएगा जिसमें आपके मार्क्स कम थे, जिसमें आपको यहाँ पर सप्ली आई हुई थी, वो सब्जेक्ट यहाँ पर अपने आप शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपडेट पर क्लिक करना है, और अपडेट के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन समरी आपको शो जो है वो हो जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डिटेल चेक कर लेनी है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है या नहीं। बाकी आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी फिल हुई आ जाएगी। तो आपने जस्ट यहाँ से जो भी आपका सब्जेक्ट था वो आपने चेक कर लेना कि सही फिल हुआ है या नहीं। इसके बाद जो है आप लोगों ने नेक्स्ट सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक जो होकर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर लेनी है, जिसके बाद जो है वो आपका फॉर्म यहाँ से फिल जो है वो हो जाएगा। तो ये तो रहा कि कैसे आप जो है वो अपना रीअपेयर फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे जो है वो आप अपना यहाँ पे रीवैल्यूएशन फॉर्म जो फिल कर सकते हो। रीवैल्यूएशन में यह है कि आपका पेपर फिर से जो है वो वहाँ पर रीचेक जो है वो हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को फिर से स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने फिर से स्टार्टिंग में चले जाना है, और आपने यहाँ पे साइन इन पे जो है वो क्लिक कर लेना। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम अप्लाई फॉर एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद सेम फिर से आपके पास एक ऐसा इंटरफेस जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप अगर आप लोग रिवैल्यूएशन वाला फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो अपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाले फॉर्म ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना जो सेमेस्टर है वो सिलेक्ट कर लेना। सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपना सेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो अपने यहाँ पर कंटिन्यू पे जो है क्लिक
कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपकी एग्ज़ाम डिटेल जो है यहाँ पे आएगी। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ऑलरेडी फिल हुई होगी, तो आपने जस्ट यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो भी था वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम डिटेल जो वो फिल कर लेनी है। जैसे आप लोग यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट हो तो आपने वो सेमेस्टर फिल कर लेना जिसमें आपको सप्ली आई हुई है, ठीक है, या जिस ईयर के आप लोग जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप यहाँ पे रिवेल्यूशन फॉर्म जो फिल करना चाहते हो, या आप अपना रीअपियर फॉर्म जो फिल करना चाहते हो। तो आपने जैसे अभी मैं यह जो फॉर्म फिल करूँ इसमें इनको जो है वो फर्स्ट आपका जो सेमेस्टर था उसमें जो है वो सप्ली आई हुई उसकी यहाँ पे रीअपेयर का उसका यहाँ पे जो आपका रीवैल्यूएशन है वो फॉर्म फिल करने वाले हम। तो आपने जैसे अब फर्स्ट ईयर, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर की डिटेल भर लेनी है कि आपके फर्स्ट ईयर के में नेम ऑफ एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, ईयर इतना था, रोल नंबर आपका ये था, डिवीज़न अब आपको जैसे सप्ली तो डिवीज़न तो आई नहीं होगी, आगे नेक्स्ट कंपार्टमेंट नंबर, तो आपने सारी डिटेल जो है एज इट इज़ फिल कर लेना। अगर आप यूजी हो तो आप यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर लो, रोल नंबर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, पीजी हो तो पीजी कर लो, तो वो सेम डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। अब अगर आप सभी सब्जेक्ट में सपोज आप पास हो तो आपने यहाँ पे डिवीज़न जो सेलेक्ट कर लेनी है, आपने अपनी परसेंटेज निकालनी है। अगर आपकी फर्स्ट 60 के ऊपर फर्स्ट डिवीज़न बनेगी तो आपने फर्स्ट लिख लेना है, ठीक है, अगर 50 to 60 होगी तो सेकंड, और 60 से लास्ट होगी तो आपने यहाँ पे थर्ड डिवीज़न जो है वो लिख लेना, जो भी आपके सेमेस्टर में उस टाइम आई हुई होगी। तो यहाँ पे आपने वो सारी डिटेल फिल कर लेनी है, और इस डिटेल रहेगी आपकी जो एग्ज़ाम आपने अभी दिए हैं लास्ट, वो सारी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट के नेक्स्ट जो आपने नेक्स्ट पे जो क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करने के बाद सेम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में आप रिवैल्यूएशन भरना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं एक भी में ही भरना चाहता हूँ, मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा, आप दो भरना चाहते हो आप दो सिलेक्ट कर लो, तीन भरना चाहते हो आप तीन, जितने भी आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन भरना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन समरी जो है वो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे अपने अपनी सब्जेक्ट वो सारी डिटेल चेक करें जो ऑलरेडी फिल हुई हुई यहाँ पे होगी, और तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट जो सेव एंड मेक पेमेंट पे जो है वो क्लिक कर देना। सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने जो अपनी फ़ीस है वो पे कर लेनी है। तो ऐसे जो है वो आप लोग यहाँ पे अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी है जो है वो फिल कर सकते हो। अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे रीअपेयर रिवैल्यूएशन के साथ साथ आपको इम्प्रूवमेंट स्कोर और इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवीज़न वाले ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो अगर आपने किसी, मान लो आप सभी सब्जेक्ट में पास हो और आपको लगता है कि आपके जो भी सब्जेक्ट थे उसमें कम मार्क्स हैं, तो आप लोग यहाँ से इम्प्रूवमेंट स्कोर वाला ऑप्शन पर जाकर जो फॉर्म फिल कर सकते हो, और उस एग्ज़ाम को आप यहाँ पर फिर से जो है वो फिल कर सकते हो। तो उस एग्ज़ाम को आप यहाँ पे जो है फिर से जो है फिल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वाले स्कोर पे चले जाओ। अगर आप अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हो, जैसे आपकी मान लो सेकंड डिवीज़न ही रही है तो आप उसको फर्स्ट में तक वो जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इम्प्रूव फॉर डिवीज़न वाले ऑप्शन पे जाके जो है वो सेम वही प्रोसेस रहेगी कि सिलेक्ट फर्स्ट, यहाँ पे आपका समर कंटिन्यू आपने कंटिन्यू कर लेना, फिर से सेम वही डिटेल आपका जो एग्ज़ाम सेंटर किया था, ठीक है, वो सिलेक्ट करके सेव, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं जिसमें भी आप लोग अपनी डिवीज़न को इम्प्रूव करना चाहते हो, या अपने जो भी आपका स्कोर है किसी एक सब्जेक्ट में, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, आप सभी में करना चाहते हो इम्प्रूव तो सभी सिलेक्ट कर लो। तो ये सारे ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे जिन्होंने जो है इम्प्रूव करना है, जैसे जिनके किसी को लगता है मेरे कम मार्क्स है तो वो यहाँ से ये फॉर्म जो भर सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी कुछ एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।